गुड आफ्टरनून वंस अगेन एवरीवन. आज 4 जुलाई सैटरडे. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम. आज का सेशन है, हमने सीजनैलिटी के ऊपर रखा है. व्हेनेवर हम ट्रेड करते हैं, चाहे कमोडिटी हो, चाहे करेंसी हो, चाहे कोई भी सेगमेंट हो, कुछ ना कुछ एक टाइम फ्रेम फिक्स रहता है. जनरली जैसे हम गोल्ड में देखते हैं कि दिवाली के आजू बाजू में गोल्ड में तेजी आती है, तो दिस इज द राइट टाइम कि वहां पे हम गोल्ड में बाय करें. तो सिमिलरली आज के इस सेशन में ये हमारी एक मंथली रिपोर्ट आती है, एवरी मंथ आ रही है. पिछले हम 10 साल से ये रिपोर्ट निकाल रहे हैं और अब जिस ढंग से COVID-19 का एक कंसर्न है, तो कोई भी अगर मुसीबत आती है उसके साथ साथ एक पॉजिटिव न्यूज भी रहती है. तो पॉजिटिव न्यूज रहा वेबिनार. तो हम पहले हमारा एक डिस्टेंस कंसर्न रहता था, बट अब वेबिनार के द्वारा हम कभी भी एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं. तो आज हमने दो सेशन रखे हैं. पहला सेशन It will take another 40-45 minutes for seasonality. And एक रखा है हमने शाम को 4 बजे commodity ratio. उसे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी commodity कब चलने वाली है. So we start with the seasonality. Our company name is KDIA Advisory. और हम पिछले 2004 से जब से commodity market start हुआ, we are there in the market. हमारा main objective है research and जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं वो एक प्रॉपरली मार्केट देखकर लेना चाहिए. और साथ में हमारे जितने भी व्यूज है वो आप प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया में कंटिन्यू देख सकते हैं. मैं अजय केडिया इस टीम को लीड करता हूं और सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है. और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि नॉलेज शेयरिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको पता है मार्केट में जब ट्रेड कर रहे हैं तो वेदर टेक्निकली और फंडामेंटली अगर मार्केट साउंड है और आपकी एंट्री रहती है, तो डेफिनेटली आपका एक जो रिटर्न है दैट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल. सो टुडे सेशन विल ट्राई टू टेक इन इंग्लिश बिकॉज देर आर मेनी पीपल फ्रॉम साउथ पार्ट ऑफ इंडिया एंड मेनी पीपल आर फ्रॉम नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. बट आई थिंक इसके आगे के जो भी स्लाइड्स है दैट इज जस्ट अ टेबल. तो आई डोंट थिंक देर विल बी अ लैंग्वेज कॉन्स्टेंट बिकॉज नंबर स्पीक इटसेल्फ. सो व्हाई सीजनलिटी इज इम्पॉर्टेंट. जैसे हम एग्रीकल्चर में देखते हैं कि एक साइकिल फिक्स रहता है, चना चने की जब सोइंग होती है अक्टूबर नवंबर में, तो सोइंग से पहले हमेशा प्राइसेस में एक जंप रहता है बिकॉज शॉर्टेजेस मार्केट में चालू रहती है. और वंस हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है, तब प्राइसेस में हम गिरावट देखते हैं बिकॉज देयर इज एम्पल सप्लाई इन द मार्केट. तो ये जनरल थंब रूल है जो हम सब जानते हैं, बट इस थंब रूल को वी शुड अप्लाई ऑन मार्केट ट्रेडिंग. व्हेनेवर वी ट्रेड इन कमोडिटी और लेट्स से इक्विटी और करेंसी, ये जो थंब रूल है इसको ही अप्लाई करके हमें ट्रेड करना चाहिए. कमोडिटी में मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे ट्राई कि हम इंट्राडे करेंगे, हम स्पेकुलेट करेंगे. कमोडिटी स्पेकुलेशन के लिए नहीं बनी है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम ओवरव्यू लेके चलते हैं तो आपको इंट्राडे में भी जो मूव है वो आप बहुत अच्छे से प्ले ऑफ कर सकते हैं. तो आई थिंक कमोडिटी के लिए आपको थोड़ा सा 1 month, 3 month, 6 month का ओवरव्यू लेके चलेंगे तो आपको एक अच्छा हैंडसम रिटर्न मिलेगा. ग्रेन प्राइजेस जनरली हम देखते हैं कि प्राइजेस में जंप आना चालू हो जाता है बिकॉज प्लांटिंग एंड ग्रोइंग सीजन सामने रहता है या वेदर रिस्क रहता है, उसका प्रीमियम रहता है. अगर हम एग्री कमोडिटी में तो सबको पता है कि एक प्रोडक्शन का पीरियड होता है, एक टाइम होता है, विंटर क्रॉप होती है, समर क्रॉप होती है, तो उसके हिसाब से मार्केट मूव करता है. बट वॉट अबाउट नॉन रिन्यूएबल कमोडिटीज लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, प्रीशियस मेटल? बट यहाँ पे अगर हम देखें तो कंज्यूमर की सीजनैलिटी फिक्स होती है. टेक एग्जांपल ऑफ गोल्ड. गोल्ड में हम बात करें तो जनरली दिवाली, अक्षय तृतीय, धनतेरस, ये जो पीरियड होता है यहाँ पे हम ज्यादा करके देखते हैं कि गोल्ड में डिमांड बढ़ जाती है. तो दस वी कैन से सीजनैलिटी इज अ सिंपल टूल दैट इंडिकेट्स व्हाट मार्केट हैव डन, पास्ट में मार्केट ने क्या किया है और आगे प्रोस्पेक्टिव हम देख सकते हैं कि आगे क्या करने वाला. नॉट नेसेसरी कि वो चीज रिपीट होगी बट एक ओवरव्यू हमें मिल जाता है. तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन से सेगमेंट्स में हम लोग सीजनलिटी देख रहे हैं. हम आज करेंसी मार्केट की सीजनलिटी देखेंगे, देन नॉन एग्री लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, इनके देखेंगे, एग्री कमोडिटी की देखेंगे. सो वी स्टार्ट विद द करेंसी सीजनलिटी. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ने कभी ये लॉजिक से आई थिंक मार्केट को बहुत कम ने देखा. एग्री में तो जनरली हम देखते हैं सीजनैलिटी, बट
आई डाउट कि हम जनरली सीजनैलिटी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से ये सेशन हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर अगर आप डाल के बता सकते हैं कि आप में से कौन सीजनैलिटी देखकर ट्रेड करता है. आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट सो दैट इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अगर आप सीजनैलिटी देखकर अगर काम करते या सीजनैलिटी सुना है आपने और आप करते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन चैट विंडो. तो चैट विंडो में आपको खाली डालना है कि वेदर हैव यू हर्ड अबाउट सीजनैलिटी और क्या आप सीजनैलिटी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो आप देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आगे कोई भी सीजनैलिटी के हिसाब से हम कैसे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं. ओके, तो आई विल रिक्वेस्ट सभी से कि सीजनैलिटी के लिए आप चैट विंडो में अपडेट डालिए. सो वी स्टार्ट विद करेंसी फर्स्ट. करेंसी में पहला है USDINR. USDINR का अगर अभी तक का हम परफॉर्मेंस देखें, हर्ड बट नेवर ट्रेड लुकिंग एट सीजनैलिटी. ओके सर, आज हम देखते हैं कैसे हम लोग उसमें से कॉल निकाल सकते हैं. तो अगर हम USDINR का ये करीबन 8-9 साल का अगर हम सीरीज देखते हैं तो जुलाई महीना हम देख सकते हैं काफी मिक्स रहता है. हमने देखा कि जुलाई 2013 में, इन 2013 जुलाई वी हैव सीन अ 2% गेन इन USDINR. अदरवाइज एवरी टाइम मार्केट वॉज स्लाइटली स्लगीज और वी कैन से वीक बाय 0.5% और 0.25%. मिस्टर सौरभ प्लीज आप अपना माइक को म्यूट कर दीजिए. ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट जुलाई, तो जुलाई में हमने ऑलमोस्ट कभी भी सीरीज के अंदर जस्ट अ मिनट. ओके, तो जुलाई में खाली हमने 2013 के अंदर 2% का जंप देखा था, अदरवाइज प्राइसेस वाज स्लाइटली फ्लैट ओनली. तो वी एक्सपेक्ट के अपसाइड तो काफी लिमिटेड दिखाई दे रहा है. और अगर हम ड्यूरिंग 2020 देखें तो अभी तक प्राइजेस ने करीबन ऑलमोस्ट 6% का गेन दिखा चुका है. हाई लेवल्स पे हमने देखा कि कंटिन्यू करेंसी में प्रेशर बना हुआ है और जिस ढंग से लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर एम आई ऑडिबल क्लियरली, आई थिंक समवन इज गेटिंग वॉइस. थैंक यू सो मच. सो सिंस जनवरी वी हैव सीन रूपी हैज कंटिन्यूसली डेप्रिशिएटेड बाय अराउंड 6%. बट एज वी नो नाउ अवर फॉरेक्स रिजर्व इज क्वाइट गुड और जिस ढंग से पिछले 2 दिन के अंदर हमने काफी बड़ा USDINR में फॉल देखा है, तो वी कंक्लूड के जुलाई मंथ में भी हमें USDINR में एक फॉल या एक वीकनेस दिख सकता है. वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो 75 का लेवल काफी इंपॉर्टेंटली होल्ड कर रहा था, तो आई थिंक 75 के नीचे का क्लोजिंग गिव्स अस अ टारगेट ऑफ अराउंड 74.20 और 73.80. तो ओवरऑल लुकिंग टू दिस सीजनैलिटी आल्सो, मार्केट में ऐसा कोई बड़ा जंप की एक्सपेक्टेशन है नहीं और जिस ढंग से हमने काफी बड़ा ऑलमोस्ट हमने 1% का फॉल USDINR में पिछले 2 सेशन में देखा है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हमको जुलाई मंथ में भी करता हुआ दिखाई देगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स EURINR. EURINR में हमने रिसेंटली देखा था कि कोविड के चलते काफी कंसर्न्स थे, बट मार्केट ने मई और जून में जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुई थी इसके बाद हमने काफी बड़ा जंप आते हुए देखा है. हिस्टोरिकली अगर हम पिछले 8 साल की बात करें तो जनरली हमने एक ट्रेंड वीकनेस एवरेज ट्रेंड जो देखा है वो EURINR में वीकनेस का ही दिखा है. साथ में पिछले साल की भी अगर बात करें, हमने देखा कि ब्रेक्सिट और इकोनॉमिकल नंबर्स के चलते प्रेशर था, तो पिछले साल यही महीने में हमने करीबन 2.5% के करीब की 2.5% का फॉल हमने सेशंस में देखा था. तो ओवरऑल वी एक्सपेक्ट इन EURINR आल्सो एज USDINR इज गोइंग टू बी ऑन अ नेगेटिव साइड, सम प्रेशर कुड बी पॉसिबल ऑन EURINR आल्सो. तो वी एक्सपेक्ट लुकिंग आउट ऑफ 8 years prices were down in last 5 years suggest weakness in EURINR. So unless and until prices doesn't break 85.50 and above, we possibility is that we can see a support coming back around 83.50 or 83.80 level for EURINR. So overall EURINR mein bhi hame seasonality bhi dikha raha hai ki aadhe percent se jyada ki giravat rahegi. We expect prices is going to be on a negative side. And month on month what we'll do, we'll have a review of our view also. तो अगले महीने भी हम लोग फर्स्ट सैटरडे जो भी रहेगा विल टेक अ रिव्यू ऑफ अवर व्यू सो दैट यू विल कम टू नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट इज सीजनैलिटी इन व्हाइल ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट. कमिंग ऑन पाउंड, इन लास्ट 8 years
GBP/INR has dropped almost 5 times. On an average, 0.5% fall has been observed in GBP/INR in last 8 years. Since January, we have seen Brexit का कंसर्न और साथ में COVID-19 की वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन के कंसर्न से जीबीपी में कंटिन्यू प्रेशर बनता हुआ रहा है. वी हैव नेवर सीन इन दिस सीजन और YTD के प्राइसेस हैज मूव्ड अबाउट 94-94-40. तो अनलेस एंड अंटिल 94-50 डजंट ब्रेक, पॉसिबिलिटी इज दैट वी कैन सी अ लेवल लाइक 91-50 आल्सो. तो ओवरऑल GBP/INR में वी कैन सी अ वीकनेस जो ओवरऑल हमें लगता है ये प्रेशर दिखा सकता है. और लास्ट कपल ऑफ मंथ से इन मई मंथ आल्सो वी हैव सीन अ फॉल ऑफ 0.25%. इन जून मंथ आल्सो वी हैव सीन अ फॉल ऑफ 0.5%. तो अप्रोक्सीमेटली 0.5% फॉल कुड बी पॉसिबल इन GBP/INR. आल्सो वी कैन सी सपोर्ट टुवर्ड्स 91.80 और 92 लेवल फॉर GBP/INR. गोइंग फॉरवर्ड विद JPY एक्ट एज ए सेफ हेवन. जनरली हम देखते हैं जैसे सेफ हेवन बाइंग आता है तो गोल्ड में तेजी आ जाता है, येन में भी तेजी आता है. तो हमने ऑलरेडी एज सून एज कोविड हैज स्टार्टेड सिंस जनवरी फरवरी वी कैन से सिंस फरवरी, आप देख सकते हैं गोल्ड के साथ साथ येन में हमने तेजी आते हुए देखी. वी हैव सीन ऑलमोस्ट मोर देन 6% गेन टिल इन YTD 2020. वी हैव सीन अराउंड नो डाउट लास्ट मंथ इन जून मंथ वी हैव सीन अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 0.5%. तो जनरली JPY ट्रैक्ट विद द गोल्ड क्योंकि इनका कोरिलेशन काफी अच्छा चलता है. तो लास्ट फरवरी ऑनवर्ड्स वी हैव सीन GBP/INR में हमेशा हमने येन में हमेशा हमने एक अच्छा खासा जंप देखा है. बट सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है लास्ट कपल ऑफ ईयर से 2 साल से हमने JPY में कंटिन्यू फॉल देखा है. और सेफ हेवन बाइंग जो हमने अभी तक गोल्ड में आते हुए देखा वो कहीं ना कहीं नाउ रुकता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस आर गोइंग ऑन इन द मार्केट. बिकॉज ऑफ दैट सी आई एम नॉट बेरिश ऑन गोल्ड, आई एम नॉट बेरिश ऑन येन, स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग क्योंकि हम लोग वैक्सीनेशंस की बातें कर रहे हैं. बट एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है इट विल टेक एटलीस्ट 2 ईयर्स. द रिपोर्ट वॉज फ्रॉम WHO ओनली. इट विल टेक एटलीस्ट 2 ईयर्स कि हम वैक्सीनेशंस को मिलेगा और सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसका रिजल्ट आएगा. तो जल्दी से ये COVID-19 खत्म नहीं होने वाला है. इट जस्ट ए मार्केट मूवमेंट कि हम देखते हैं कि मॉडर्ना आती है बताती है कि एक मेडिसिन आ गया, इमीडिएटली इक्विटी मार्केट जंप कर जाता है और गोल्ड ड्रॉप आ जाता है. बट आई कैन अश्योर यू क्योंकि जो असेट क्लास का जो साइकिल है वो साइकिल क्लियरली बता रहा है अभी भी गोल्ड में तेजी नहीं आई है. अभी तक गोल्ड 3 साल में 55% बढ़ा है. तो ओवरऑल अभी भी पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड अनदर 20-22% बढ़ सकता है. बट राइट नाउ सिंस YTD वी हैव सीन ऑलमोस्ट 24%, तो थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है. सिमिलरली JPY में भी हमने जो जंप देखा है इट्स अ वेरी गुड जंप और आगे भी सस्टेन करेगा बिकॉज ऑफ सेफ हेवन बाइंग. बट जून में हमने देखा कि हमारे पास और कोई स्टोरी नहीं है, हमारे पास COVID-19 के अलावा कोई स्टोरी नहीं है जो सेफ हेवन की तरह हम येन को बचा सके. तो आई थिंक अब ये स्टोरी में थोड़ा सा एक पुल बैक रहेगा बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज कमिंग अप विद द वैक्सीनेशंस. तो जुलाई मंथ में वी कैन सी अ ड्रॉप इन JPY/INR एज ए सेफ हेवन बाइंग जो है वो थोड़ा सा रिस्क ऑफ होते हुए दिखाई दिया. अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मंदी नहीं है, ड्रॉप है, करेक्टिव ड्रॉप है. इस करेक्टिव ड्रॉप में आप लेके चलिए बिकॉज अगस्त मंथ आप देखिए, अगस्त मंथ में ऑन एन एवरेज 3% का जंप आता है. आप देखिए 2018 इन 2018 वी हैव सीन ऑलमोस्ट 4% गेन. इन 2019 वी हैव सीन ऑलमोस्ट 6% गेन. अगेन मैं बताता हूँ सीजनलिटी डजंट गारंटी कि आगे क्या होगा, बट एक व्यू मिल जाता है. नो डाउट इन 2018-2019 देयर वाज सम रीजन, उस रीजन की वजह से भागा मार्केट. लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, आप 2013 में देखिए यहाँ पे भी 8% का जंप आया था. 2015 में देखिए 6% का जंप आया था. तो ऑलमोस्ट या तो प्राइजेस फ्लैट रहे हैं या प्राइजेस में अगर जंप आता है तो बहुत बड़ा जंप आता है. तो यहाँ पे एक अलर्ट की जरूरत है कि अगर 6%, 4%, 6% और 8% ऐसा जंप अगस्त में आता है, दैट मीन जुलाई में अगर जो ड्रॉप मिलता है वी हैव टू बाय. बोलना नहीं है JPY में अगर जुलाई मंथ में जो भी ड्रॉप मिलता है दैट विल बी ए करेक्टिव ड्रॉप. और इस ड्रॉप में अगर हम लेके चलेंगे तो अगस्त के अंदर
हम ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़ के चले तो 3% तक का जंप, मतलब सेंटीमेंट इज गोइंग टू बी ऑन ए पॉजिटिव साइड फॉर अगस्त। हाँ, कोविड 19 की वजह से स्टोरी थोड़ा सा अलग है इस बार, बट हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है 8 साल में, और जब भी जंप आता है वो शार्प जंप होता है। ऐसा जंप हमने जुलाई में तो नहीं देखा कहीं पे भी, खाली 3% का जंप 2013 में देखा और इसके अलावा कहीं पे भी नहीं था। तो डेट मीन समथिंग इज देयर इन द अगस्त मंथ, और सीजनलिटी यही चीज बताता है कि 8 साल में देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी चेंज। JPY इज गोइंग टू बी ऑन ए हायर साइड, और जो हाई साइड होगा भी दैट विल बी ए शार्प जंप, आइदर मार्केट विल बी फ्लैट, और अगर जंप आता है तो जंप वुड बी एटलीस्ट बाय 4-5%। तो बी कॉशियस। तो सीजनैलिटी आपको यहाँ पे हेल्प करता है, इस लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है आपको, अगर आपके क्लाइंट है या आप खुद हेज करते हो तो उधर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बताता है। सो एम आई क्लियर इन करेंसी सीजनैलिटी, बिकॉज इन करेंसी वी हैव ओनली 4 करेंसी। कैन यू जस्ट अपडेट मी ऑन चैट के वेदर करेंसी इज ओके। इसके आगे हम समरी भी लेंगे सबका वापस। Shall we move for commodity? Okay. So currency में हमने देखा USD INR में गिरावट। तो can anyone help me out कि what is the relation between USD INR and gold? Quickly. Is it a direct relationship or indirect relationship? कि USD INR में fall आएगा तो रुपया अगर मजबूत होता है तो गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? डाउन, नीचे आएगा। थैंक यू मुकुंद जी, आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं सर। पंकज जी प्लीज माइक को आप म्यूट मोड पे रखिए और चैट विंडो पे आप डाल दीजिए। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि देखिए जब USD INR नीचे आता है मतलब रुपया हमारा मजबूत होता है, रुपया मजबूत होता है तो हमारी बाइंग पावर बढ़ती है, बाइंग पावर बढ़ती है तो हम गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो गोल्ड में भी नेगेटिव आएगा। तो क्या ये नेगेटिव गोल्ड में भी दिखा रहा है? तो आज हम गोल्ड का अभी ओवरव्यू देखेंगे। गोल्ड की सीजनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। हमने जुलाई में हमेशा आउट ऑफ 10 ईयर्स, ये 10 साल का है, 10 ईयर्स 2 साल ऐसा था कि जिसमें गोल्ड में हमने ड्रॉप देखा, बट ये जो ड्रॉप था ये सीवियर ड्रॉप था। आप देखिए 2015 में हमने 6% का ड्रॉप गोल्ड में देखा, नो डाउट वो ड्रॉप हमने जून में भी आते हुए देखा था। सिमिलरली अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में भी जो ड्रॉप देखा था वो सीवियर ड्रॉप था, मतलब मई में 0.5%, जून में 1.5% और जुलाई में 2.5% का फॉल था। या तो गोल्ड में पूरा तेजी रहेगा और ड्रॉप आएगा तो शार्प आएगा। तो इस बार क्या होगा? इस बार आप समझिए 2020 के अंदर ऑलरेडी वी हैव सीन अ गेन ऑफ ऑलमोस्ट 24%। गोल्ड में पॉजिटिव का कोई रीजन नहीं है। कोविड के अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट कट की बात करें या हम स्टिमुलस की बात करें या ETF बाइंग करें, अरे सर वो 1.5 साल से हम सुनते आ रहे हैं, 2019 से हम देख रहे हैं कि रेट कट करेगा, 5% बढ़ गया गोल्ड, ओवरऑल हमने 24% का गेन देख चुके हैं। ओवरऑल अगर हम 2018 की भी बात करें, मिस्टर सुनील प्लीज आप अपना माइक को म्यूट मोड पे रखेंगे, थैंक यू मिस्टर सुनील। अगर हम 2017 की भी बात करें तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं, 2018 में बढ़ रहा है, 2016 में भी बढ़ रहा है। तो आज गोल्ड 1 साल से नहीं बढ़ रहा है, पिछले 4 साल से बढ़ रहा है। और रीजन इस बार हमने जो रीजन देखा है यहाँ पे दैट वॉज बिकॉज ऑफ कोविड। तो आई थिंक मार्केट हैज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड। तो मैं मंदी नहीं बोल रहा हूँ गोल्ड में, बट गोल्ड में एक पुल बैक आएगा, गोल्ड में एक पुल बैक मिलेगा। कुड बी पॉसिबल वी कैन सी 46,000, कुड बी सी वी कैन सी ऑलमोस्ट प्राइजेस आर गोइंग बाय लेट्स सी आई थिंक 46 और डॉलर टर्म्स की अगर बात करें तो वी कैन सी प्राइजेस मूविंग टुवर्ड्स 1700 और 1680 आल्सो। मैं मंदी नहीं बता रहा हूं गोल्ड में, मैं बोल रहा हूं करेक्शन आएगा। 49,000 का लेवल छुआ और हमने 2 दिन के अंदर ही प्राइजेस के अंदर बड़ा फॉल आते हुए देखा, बिकॉज डेटा पॉइंट मार्केट के अंदर काफी बड़ा आता है। जस्ट अ मिनट, ओके। तो आई थिंक गोल्ड में एक करेक्टिव ड्रॉप आ सकता है, इस करेक्टिव ड्रॉप में हमें लेना है। क्यों लेना है सर? अगस्त को देखिए आप, अगस्त में 2011
सॉरी अगस्त में अगर हम बात करें तो 2011 में हमने 17% का जंप देखा, 2012 में 5% का, 2013 में 24% का। ठीक है, मैं समझता हूं कोई ना कोई कारण होगा तभी 24% बढ़ा है, लेकिन एक ही मंथ में ऐसा क्या हो रहा है? 2014 में भी पॉजिटिव था, 2015 में 7.5% बढ़ा, 2016 में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी हमने लास्ट टू मंथ से अच्छी तेजी देखी थी, 2017 में 4%, 2018 में 1%, 2019 में, तो मतलब कुछ ना कुछ तो था अगस्त मंथ में जिसकी वजह से पूरे साल भर के अंदर सबसे टॉप गेन हमने 7.5% का गेन खाली गोल्ड में आते हुए देखा। तो हमें क्या सीख लेना चाहिए सीजनैलिटी से कि जून की तेजी के बाद अगर जुलाई में प्राइजेस ड्रॉप होता है उस ड्रॉप में हमें गोल्ड लेना है, क्योंकि अगस्त मंथ में तेजी और अगस्त मंथ की तेजी में हम बेच के चलेंगे, क्योंकि सितंबर में आप देखोगे तो सेम वे मार्केट में देखो तेजी कम थी, मार्केट में तेजी कम थी बट मंदी कितनी थी, 14%, 6%, 3%, 4%। क्यों? दिवाली के आसपास सेल्स हमारा वापस ड्रॉप हो जाता है, तो अगेन हम अगस्त के तेजी के बाद सितंबर में बड़ी मंदी और अक्टूबर में थोड़ा जंप, नवंबर में एक और मंदी, दिसंबर में और मंदी। तो एज ऑफ नाउ अगला 6 महीने का जो व्यू मेरे को लगता है तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए बिकॉज ऑफ COVID-19। ये एडजस्ट होकर मार्केट कैसा मूव करेगा हम वापस देखते हैं। जून में मार्केट में जून जुलाई में आई थिंक थोड़ा सा वीकनेस आएगा, अगस्त में मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, सितंबर में मार्केट करेक्ट करेगा, अक्टूबर में फिर से मार्केट में कोविड के चलते थोड़ा सा बाउंस रहेगा, नवंबर दिसंबर मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगा। अगर हम डॉलर टर्म्स की बात करें तो ऑलरेडी हमने $1800 देखा है, लेट से प्राइजेस फॉल टूवर्ड्स एक एग्जाम्पल है $17, तो आप सितंबर में एटलीस्ट $1900 का लेवल आप ऑलमोस्ट छू सकते हैं, $1900। और वहां से अगर पुल बैक आएगा तो आई थिंक प्राइजेस शुड गेट सपोर्ट एट लेट से 1780 और 1750 और फिर प्राइजेस 2000 से लेकर 1800 का एक बेस में अटक जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन है एज पर सीजनैलिटी, अगर इसके बीच में कोई भी चेंजेस होगा तो डेफिनेटली हम लोग उसको सब मैरिज सीजन स्टार्ट है, आप बराबर बोल रहे हो, मैं चैलेंज बोलता हूँ आप कोई भी बैंकेट हॉल में फोन करो वो बोलेगा सर सारी बुकिंग कैंसिल है, अक्टूबर नवंबर तक कोई मैरिजेस नहीं है, और होगी तो 2021 में होगी। सेकेंडली प्राइजेस इतने ज्यादा हाई है कि गोल्ड में आज की डेट में बाइंग आ रही है, अगेन मैं बताता हूँ सबको ये लग रहा है कि गोल्ड के अंदर रिटेल बाइंग नहीं है, मैंने खुद ज्वेलरी वालों से बात किया है, दे आर हैप्पी, इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, एक वेबिनार हम लोग कर रहे हैं, क्यों हैप्पी है वो एक अलग कारण है, बस सेल्स आर देयर। तो लेकिन जो ज्वेलरी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं उतनी सेल नहीं है मार्केट में और इट विल टेक टाइम। तो ओवरऑल अभी जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है वो है रिसेशन, दूसरा है COVID-19, और COVID-19 कोई 6 महीने में नहीं जाने वाला। WHO का स्टेटमेंट है कि ह्यूमन ट्रायल ये एग्रेसिवली हम लोग कर रहे हैं बट एवरीथिंग शुड बी लाइन अप इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये गोल्ड को अपलिफ्ट करता हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन जैसे हम जुलाई में बात कर रहे हैं ऐसा कुछ करेक्शन मिलता है गोल्ड लेके चलना है, बेच के काम नहीं करना है। लेकिन सबसे मजे की बात, अगर गोल्ड में इतनी तेजी है तो आई थिंक गोल्ड इज क्लियर, विल मूव टू सिल्वर। तो गोल्ड में अगर हम इतनी तेजी पकड़ लें तो सिल्वर कहां जाएगी? सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल है और रेशियो अप्रैल में 123 का लेवल छुआ था, आफ्टर 123 लेवल वी हैव सीन रेशियो हैज ड्रॉप अप टू 91-92 तक, एवरेज इज अराउंड 64-65। फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट 3 इयर्स रेशियो इज गोइंग टू गेट अ एवरेज ऑफ 62-65 नियर बाय, दैट मींस सिल्वर विल आउट परफॉर्म। वी नीड अ ब्रेकआउट, ओनली अ ब्रेक ऑफ $20 कैन फाइंड सिल्वर लैंडिंग अराउंड $32-34। दैट मींस ऑन डोमेस्टिक साइड वी कैन सी सिल्वर प्राइजेस गोइंग टू बी टेस्टिंग 1 lakh इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, बट वी शुड हैव पेशेंस, 2 साल का पेशेंस होना जरूरी है। हिस्टोरिकल डेटा अगर हम देखते हैं पिछले अगर 10 साल का तो जनरली जुलाई मंथ में सिल्वर हमेशा तेज हुई है, और शाम का जो सेशन है आज शाम को 4 बजे वी आर टेकिंग वन सेशन ऑन रेशियो ट्रेडिंग,
तो वहां पे भी हम कुछ देखेंगे कि वाई सिल्वर लुक मोर अट्रैक्टिव। तो शाम के सेशन में भी आप प्लीज डू ज्वाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जुलाई में हमेशा सिल्वर बढ़ा है, इनफैक्ट लास्ट ईयर तो हमने 10% का जंप देखा था, इससे पहले 2016 में 9% का जंप देखा था, 2011 में हमने 15% का जंप देखा था। तो ओवरऑल सिल्वर हैज ए पॉसिबिलिटी, वी कैन सी अ बाउंस, बट दिस इज जस्ट अ कॉन्ट्रोवर्सियल थिंग बिकॉज प्रीवियस स्लाइड वी हैव टॉक्ड अबाउट गोल्ड, देयर इज अ ड्यू ऑफ करेक्शन, तो मे बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर कूलिंग डाउन, देन वी हैव सीन दिस COVID-19 बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन थिंग्स आर कूलिंग डाउन, तो दिस इज अ ग्रेट साइन के गोल्ड विल अंडर परफॉर्म, गोल्ड विल बी स्टेबल वेयर सिल्वर विल आउट परफॉर्म। तो आई एम वेरी मच बुलिश फॉर सिल्वर फॉर 2020। वी कैन सी इन द मंथ ऑफ जुलाई इट्स शोन ए 3% गेन, इन अगस्त इट हैज शोन ए 5% गेन, अगेन इन सितंबर देयर वाज अ ड्रॉप, बट अक्टूबर इज गोइंग टू बी वेरी फाइन। तो सेम वे जैसे गोल्ड में हमने देखा कि प्राइजेस ने 50,000 का लेवल छूने के बाद ड्रॉप कर सकता है, ड्रॉप के बाद अगस्त में एक न्यू हाई, आई एम एक्सपेक्टिंग 53-54 रेंज, अगस्त में वी कैन सी अ लेवल ऑफ 53-54 और वहां से प्राइजेस में फिर से सितंबर में ड्रॉप मिलेगा, देन अक्टूबर इज गोइंग टू बी अराउंड 54-55 रेंज। तो ओवरऑल सिल्वर एंड गोल्ड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, हाँ एक शार्प करेक्शन करेक्टिव ड्रॉप वुड कंटिन्यू टू बी देयर इन द मार्केट, तो प्लीज बी कॉशियस, वॉलिटिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी गुड। और जो मैं शाम के सेशन की बात कर रहा हूँ उसका लिंक भी मैं चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रहा हूँ, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में हमने वेबिनार के लिए एक टाइनी यूआरएल भी दिया है आपको, यहाँ पे आप अपने डिटेल्स दे सकते हैं सो दैट वी कैन शेयर दिस रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्पस खाली नॉलेज है ताकि आपके जो ट्रेड्स है वो सुधरे। हाँ, इसके ऊपर जो एनालिसिस होते हैं उसके लिए हम अलग से कुछ वेबिनार्स रखते हैं, कुछ वर्कशॉप्स रखते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज गूगल लिंक जो हमने शेयर की है उस पर आप आपके डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो सिल्वर मेबी वी कैन सी सम पुलबैक, बट डोंट गो, यानी कि 44-45 के नीचे नहीं जाने वाला, अराउंड 45-46 का अगर करेक्टिव ड्रॉप मिल जाता है दैट इज अ गुड पॉइंट टू बाय, न्यू हाई बाय अगस्त एंड, अगले दो महीने के अंदर, जुलाई और अगस्त, अगले डेढ़ दो महीने के अंदर सिल्वर शुड ब्रीच 50,000, जो हमने रिसेंटली हाई बनते हुए देखा है मल्टीपल ऑफ टाइम, ये हाई तोड़ता हुआ दिखाई देगा। तो करेक्टिव ड्रॉप, आई एम बेरिश इन बुलियन, बट जुलाई मंथ के लिए एक करेक्टिव ड्रॉप के लिए आगे छह महीना सोना चांदी इज गोइंग टू बी आउट परफॉर्मिंग। और एक आप लोगों से क्लू, एक आंसर पूछना चाहूंगा, अगर गोल्ड सिल्वर अगला छह महीना तेजी में है तो इक्विटी मार्केट में क्या होगा, प्लीज चैट बॉक्स में फटाफट एक बार रिप्लाई दे सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शाम के सेशन में लूंगा। एक तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इन्फ्यूज करती है पैसा और इक्विटी बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना इक्विटी बढ़ेगा तो गोल्ड सिल्वर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप गूगल करना S&P 500 वर्सेस कमोडिटी इंडेक्स, वो अभी भी तेजी बता रहा है, जो क्लियरली शो करता है कि कमोडिटी इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। तो अगर मैं बोल रहा हूँ गोल्ड सिल्वर तेज है और निफ्टी भी तेज है, तो इसका मतलब अगर निफ्टी 1% बढ़ेगा तो गोल्ड सिल्वर आपको 2-2% बढ़ती हुई दिखेंगे, तो वो शाम के सेशन में हम लोग लेंगे। तो आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव सीन अ करेक्टिव ड्रॉप इज पॉसिबल इन द मंथ ऑफ जुलाई, बट सिल्वर लुक्स वेरी गुड एज कंपेयर्ड टू गोल्ड। तो वॉट एवर एक करेक्टिव ड्रॉप मिलता है इसमें हमें सिल्वर पे ध्यान रखना है, नए हाई समय मिल सकता है। कमिंग ऑन वन ऑफ द फेवरेट फॉर 2020, दैट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में लास्ट कपल ऑफ मंथ में 100% जंप, मई मंथ में वी हैव सीन 100% जंप, जून में 17% जंप, जबकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में हमने भारी गिरावट आती हुई देखी है। तो ऑलमोस्ट 31% का अभी तक YTD फॉल हमने देखा है। बिल्कुल मिस्टर ओम प्रकाश, मिस्टर अशोक, मिस्टर चंद्रा कि निफ्टी शुड फॉल, बट जिस ढंग से गवर्नमेंट स्टेरॉइड्स दे रही है, चाहे यूएस गवर्नमेंट हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, जो इकोनॉमी को इक्विटी को स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, वो स्टेरॉइड्स देने से क्या होगा, मार्केट हेल्दी दिखेगा, बट जिस दिन करेक्शन देगा उस दिन बड़ा करेक्शन देगा। एक चीज सिंपल समझो, सीजनैलिटी क्या बताती है कि फल, कोई भी अगर एप्पल, लेट से एप्पल है या कोई भी चीज है, उसको पकने में 6 महीना लगता है, तो 6 महीना ही लगेगा। अगर हम क्या बोलते हैं, कार्बेट्स या कोई भी चीज आर्टिफिशियल से अगर हम लोग उसको मैच्योर करने की कोशिश करते हैं
तो वो अच्छा नहीं होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट इक्विटी, बट लिटरली जिस ढंग से स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है यूएस इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, आई थिंक दिस इज अ वेरी हाई टाइम बी कॉशियस। क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं, अगर गोल्ड और इक्विटी एक साथ अगर बढ़ता है कभी भी, चाहे 2018 की बात कर लीजिए, गोल्ड और इक्विटी एक साथ जब भी बढ़ता है, इक्विटी इज गोइंग टू क्रैश विद द वर्स्ट एक्शन। आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर गोयल, प्लीज यू कैन म्यूट योर माइक। ओके, डेफिनेटली सर, हमारे पास इंग्लिश में भी रिक्वेस्ट है और हिंदी में भी है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो अब आई वॉज ऑन निफ्टी, तो गवर्नमेंट इज गिविंग स्टेरॉइड्स, कोई फील गुड फैक्टर नहीं है, अभी भी लॉकडाउन है, फैक्ट्रीज आर नॉट, चलो वो फैक्टर्स हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, बट प्लीज बी कॉशियस। कमोडिटी गिव्स बेटर इंडिकेटर फॉर इक्विटी, तो कमोडिटी में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको बेटर इंडिकेटर्स मिलते हैं कि इक्विटी इज गोइंग टू परफॉर्म और नॉट। क्रूड ऑयल, टेक एग्जांपल ऑफ क्रूड ऑयल, अगर क्रूड में इतना बड़ा फॉल आएगा, एक चीज ध्यान रखिए, फॉलिंग इकोनॉमी में क्रूड गिरना इज अ नेगेटिव फॉर इकोनॉमी, और ग्रोइंग इकोनॉमी में क्रूड का बढ़ना इज अ पॉजिटिव, बट एक हद तक। आई एम जस्ट म्यूटिंग एवरी वन, एंड वेन एवर आई कंप्लीट माई सेशन, उसके बाद हम लोग रखेंगे, ओपन अप करते हैं इसको, बिकॉज देर इज सम डिस्टर्बेंस। ओके, सो वी वर ऑन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का अगर हिस्टोरिकल डेटा जुलाई से अगर हम देखते हैं, तो प्राइसेस में हमेशा फॉल आया, नो डाउट देयर वाज अ चांस। इन 2013 वी हैव सीन 11% गेन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, एंड इन 2012 5%। अदर देन दैट ओनली 2017 वाज बी पॉजिटिव, बट ओवरऑल टू मोर देन 2%। एंड हमने देखा है कि इतने बड़े गेन्स के बाद क्रूड इज अनेबल टू क्रॉस 45 बेंचमार्क फॉर ब्रेंट एंड अराउंड 42 फॉर WTI। तो पॉसिबिलिटी है क्रूड में गिरने की एज पर सीजनैलिटी। और शाम के सेशन में आई विल रिक्वेस्ट नमन टू शेयर दी लिंक और डिटेल जो भी है हमारा। शाम के सेशन में हम देखेंगे कि रेशियोज क्या दिखा रहा है, तो क्रूड में पॉसिबिलिटी है एक फॉल आने की, तो यहाँ पे आप थोड़ा सतर्क रहिए, बिकॉज ऑलरेडी प्रोडक्शन कट जो होना था वो सब हो चुका है। अगर COVID-19 का सेकेंड वेव आता है तो कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड फिर से ड्रॉप होने की उम्मीद है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्रूड में भी एक अच्छा गिरावट देख पाएंगे, तो बी कॉशियस इन क्रूड ऑयल। बड़ी तेजी नहीं आ सकती है, बिकॉज अभी भी जो 100 मिलियन बैरल का हमारा कंजम्पशन है वर्ल्ड का, उसमें से 30 मिलियन बैरल गायब हो चुका था, अब रिस्टोर हो रहे हैं, बट अभी भी कंसर्न है ओवर सप्लाई का, डिमांड का, तो बी कॉशियस इन क्रूड ऑयल। कमिंग टू नेचुरल गैस, वन ऑफ वेरी गुड कमोडिटी, एंड इस बार ये ऑलरेडी काफी बड़ा ड्रॉप मई और जून में दिखा चुका है हिस्टोरिकल डेटा। हाँ, इस बार फंडामेंटल थे, क्योंकि नेचुरल गैस इज ए अल्टरनेट फ्यूल। अगर क्रूड में फॉल आएगा तो नेचुरल गैस में भी फॉल आएगा, बिकॉज चीप एनर्जी है। अगर क्रूड $100 वाला क्रूड $20 आ गया, तो अब क्रूड को यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पेट्रोल लेट से 80 रुपीज है और डीजल है 60 रुपीज है, तो विच कार यू विल प्रिफर, पेट्रोल या डीजल, क्विकली चैट बॉक्स में। पेट्रोल 80 का भाव है और डीजल 60 का भाव है, तो आप कौन सी कार यूज करोगे, पेट्रोल की या डीजल की, क्विकली चैट बॉक्स में आप प्लीज डाल सकते हैं। पेट्रोल 80 का भाव है, डीजल 60 का भाव है, तो विच कार वी विल बी यूजिंग। तो आप राशि महंगी कार, महंगा पेट्रोल लेना चाहोगे, सस्ता है नहीं लोगे, वेरी गुड। ओके, डीजल सस्ता है तो डेफिनेटली। आप मेरे को बताओ कि पेट्रोल का भाव टूट के 50 रुपया हो गया और डीजल का भी भाव टूटकर 20 रुपया हो गया, तो हम लोग बेटर फ्यूल पे जाएंगे। ठीक है, 20 रुपया या 30 रुपया डीजल टूट गया है, लेकिन हम बोलते हैं जब अच्छी क्वालिटी की चीज, पेट्रोल अच्छा, मेरे को इतना ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट जब पेट्रोल सस्ता मिल रहा है तो पीपल विल अगेन शिफ्ट टू पेट्रोल ओनली। ठीक है, डीजल और नीचे गया है, लेकिन पेट्रोल अगर सस्ता मिल रहा है, मेरे पॉकेट अलाउ करता है,
तो फिर मैं पेट्रोल पे जाऊं। तो सिमिलरली जब क्रूड महंगा होता है तो गैस भी बढ़ती है, लेकिन जब क्रूड सस्ता होता है तो गैस और सस्ती हो जाती है। तो इसके चलते हमने एक बड़ा फॉल जनवरी फरवरी में हमने आते हुए देखा, फिर प्राइसेस काफी स्टेबल था 150 से लेकर 120 के बीच में, और जून महीने में हमने एक नया लो बनते हुए देखा, बट अब प्राइसेस रिकवर कर रही है। नो डाउट इन जुलाई मंथ जनरली वी सी के प्राइसेस में हमेशा गिरावट आती है। ओनली आउट ऑफ 10 इयर्स ओनली 2012 में हमने गैस के प्राइसेस में जम देखा था, अदरवाइज सभी टाइम पे हमने फॉल देखा। बट नेचुरल गैस वी एक्सपेक्ट ऑलरेडी देयर इज अ न्यूज दैट सम ऑफ द प्रोड्यूसर हैज फाइल्ड अ बैंकरप्सी इन यूएस बिकॉज ऑफ दैट सप्लाई शॉर्टेज इज गोइंग टू बी देयर इन 2020 लेटर इन द पार्ट। बिकॉज इफ यू सी द सीजनैलिटी फ्रॉम अगस्त टू दिस नवंबर, अगर आप अगस्त से नवंबर तक का सीजनैलिटी देखेंगे तो एवरी टाइम नेचुरल गैस प्राइसेस आउट परफॉर्म। तो प्लीज लुकिंग टू द करंट फंडामेंटल दैट मेनी प्रोड्यूसर आर फाइलिंग एज ए बैंकरप्सी, आई एम वेरी मच बुलिश इन केस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस प्राइजेस लुकिंग टू द रेशियो वी कैन सी प्राइजेस कैन गो अप टू 200, राइट नाउ प्राइजेस आर अराउंड 130, डाउन साइड इज वेरी लिमिटेड। If we get another fall of let's say 5 to 8 rupees, this is a very good chance to buy for some longer time frame, targeting at least 20, at least 200 rupees. So I think out of all non-agri commodity, I am very much bullish on natural gas because ये seasonality आपको बताएगा। आप seasonality में देखिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में बेतहाशा तेजी है, और खास करके अगस्त मंथ में देखेंगे तो it's a duplicate or we can say opposite of July month. In July we have seen always fall, only in 2012 we have seen a gain, but here in August, only in August 2012 we have seen a fall, other time every time market has gained. So July mein aapko natural gas accumulate karna hai aur game changer hoga iske andar, aur prices agle 3 mahine ke andar 200 rupaye ka bhav touch karega hi karega. Quickly moving towards next slide, we are running short of time slightly. Now it's hardly it's a matter of 10 more minutes. Thank you for bearing us. Please एक feedback अगर आप दे सकते हैं chat box में कि seasonality do you feel it's workable और आपको लग रहा है it's adding value in your trading, तो you can just send me yes definitely. Thank you so much Mr. Chandar, Mr. AK. So coming on copper, very good chart. आप इसका copper का कुछ मेरे technical analyst फ्रेंड्स भी है इस सेशन में, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप इसका वीकली चार्ट देखिए, कॉपर का वीकली चार्ट लगा के देखना, इन्वेस्टिंग पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे कोई भी आदमी चार्ट लगा के देख सकता है। यू कैन जस्ट मेक अ वीक टेक अ लुक ऑन वीकली चार्ट ऑन कॉपर, अनलेस एंड अंटिल कॉपर ब्रीचेस 470 एंड होल्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन सी अ शार्प फॉल। प्राइजेस हैज गेन्ड ऑलमोस्ट 7% in April month, 3% in May month, and 11% in June month makes copper overbought slightly. So unless and until 6,000 level on LME and 470 on domestic market, there is a possibility of sharp fall. Market has gained because there are many mines that has been tested positively tested of COVID-19, and that is why supply concern has supported gold, silver, कॉपर, जिंक, निकल, एवरी कमोडिटी। तो कॉपर में जो जंप आया है वो सप्लाई कंसर्न्स की वजह से आया है। अब चीजें वैक्सीनेशंस आ रही है मार्केट में, चीजें कूल डाउन हो रही है, एंड मार्केट इज ड्यू फॉर करेक्शन। हिस्टोरिकल डेटा शोज के प्राइसेस में गेन आना चाहिए, तो स्लाइटली क्रॉस योर फिंगर, बट आई थिंक 460 इज अ गुड लेवल टू टेक शॉर्ट। पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 470 एंड टारगेट कुड बी 440-436। हम इतना बड़ा एक फॉल कॉपर में देख सकते हैं, हम लोग इतना बड़ा देख सकते हैं। तो जस्ट एक हमारा अपडेट है, बी कॉशियस, बिकॉज 11% का गेन, 11% का गेन हमने ऑलरेडी जून में देख चुके हैं, 10% का गेन हम अप्रैल और मई में देख चुके हैं, तो ओवरऑल हमने 20% का गेन देख चुके हैं ऑलरेडी, तो एक पुल बैक जरूर आ सकता है, तो बी कॉशियस इन कॉपर। Just a minute. Okay, so am I clear with copper?
मैं अगेन बोलता हूँ, कॉपर में भी देखो जुलाई और अगस्त में तेजी रहेगा, सितंबर में थोड़ा माइनूट फॉल है, बट कभी भी कोई भी बेस मेटल का सेकेंड हाफ काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन जुलाई में थोड़ा कॉशियस रहिए। एक करेक्टिव ड्रॉप ऑफ एटलीस्ट 15 रुपीज का ड्रॉप कॉपर में, 12 से 15 रुपए का ड्रॉप, 12 टू 15 रुपीज ड्रॉप इज पॉसिबल। ऑन दैट ड्रॉप वी विल बाय, और 470 का लेवल ब्रीच करता है देन वी कैन सी अ शार्प जंप, बट अपसाइड आई थिंक वी हैव टेकन अ लॉन्ग कॉल बिकॉज ऑफ अवर हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न हमने फाउंड किया था कॉपर में, वी हैव टेकन अ लॉन्ग एट 370, वी हैव टारगेटेड टू बी वेरी फ्रेंड 440। 440 के बाद हम लोग प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ COVID-19 सम माइंस हैव क्लोज्ड एंड प्राइसेस रैलीड बाय अनदर 20 रुपीज, बट टेक्निकल करेक्शन इज ड्यू, सो बी कॉशियस, अ करेक्टिव ड्रॉप इज पॉसिबल। सिमिलरली टेक एग्जाम्पल ऑफ जिंक, जिंक प्राइसेस स्टार्टेड मूविंग ऑन अ पॉजिटिव डायरेक्शन सिंस अप्रैल, स्टिल वी आर बुलिश फॉर जिंक लुकिंग टू द फंडामेंटल साइड, बट अ करेक्टिव ड्रॉप इज पॉसिबल बिकॉज मल्टीपल ऑफ टाइम वी हैव सीन 165 हैज एक्टेड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट। अनलेस एंड अंटिल 165 168 डजंट ब्रेक, वी मे सी प्राइसेस मूविंग इन अ ब्रॉडर रेंज ऑफ 156 इन डाउनसाइड, 165 ऑन अपसाइड। ओवरऑल अगर हम दिसंबर तक की बात करते हैं, वी आर टारगेटिंग 200 रुपीज एज पर अवर हार्मोनिक कॉल। हार्मोनिक एक टेक्निकल पैटर्न है, हार्मोनिक के अंदर एक बाइंग इनिशिएट हुआ है एट द रेट ऑफ 140 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 200 बाय दिस ईयर एंड, बिकॉज हार्मोनिक वॉज फॉर्म ऑन वीकली चार्ट, तो उसकी वजह से हमें लगता है 200 रुपए तक की तेजी हम ईयर एंड तक देख पाएंगे, बट जुलाई में थोड़ा बहुत करेक्शन है बिकॉज लास्ट टू इयर्स वी हैव सीन अ करेक्शन ऑफ 10% इन 2018, अराउंड 4% इन 2019, तो थोड़ा बहुत पुलबैक जुलाई मंथ में बेस मेटल में मिलेगा। निकल प्राइजेस लुक वेरी गुड, करेक्टिव ड्रॉप टूवर्ड्स 945 950 इज वेरी गुड लेवल टू बाय। जुलाई और अगस्त काफी स्ट्रांग रहेगा, देन सितंबर अक्टूबर नवंबर में हम एक करेक्टिव ड्रॉप देख सकते हैं, बट नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ निकल इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। अगर 1000 का लेवल ब्रीच करता है वी आर एक्सपेक्टिंग 1140 ऑन हायर साइड, तो ओवरऑल जुलाई अगस्त सितंबर इज ऑलमोस्ट अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर निकल, तो निकल में कोई बड़ा फॉल नहीं देख रहे। कमिंग ऑन एल्यूमिनियम, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक करेक्टिव ड्रॉप देख सकते हैं, लास्ट ईयर भी हमने बड़ा फॉल देखा था, इस बार थोड़ा बहुत करेक्शन जुलाई में मिलेगा, अगस्त में थोड़ा बाउंस है, बट प्राइसेस हैज मल्टीपल ऑफ टाइम फेल्ड टू क्रॉस 142 लेवल 143 लेवल, तो ओवरऑल अपसाइड इज वेरी मच लिमिटेड। सिंस लास्ट टू इयर्स एल्यूमिनियम प्राइसेस हैव बीन गिवन अ स्लाइटली नेगेटिव डायरेक्शन, हमने देखा लास्ट 2-3 सालों में हमेशा जुलाई में ड्रॉप हुआ ही है, ऑन दैट बेसिस वी एक्सपेक्ट कॉपर इज गोइंग टू बी ऑन ए नेगेटिव साइड। कमिंग ऑन लेड, लेड में भी हमने लास्ट कपल ऑफ इयर्स में फॉल दिखा है, देयर वाज अ स्मार्ट रिकवरी इन द मंथ ऑफ जून बाय 8%, बट आई थिंक 148-149 इज एक्टिंग एज ए साउंड रेजिस्टेंट। अ पुल बैक, मैं मंदी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुल बैक की बात कर रहा हूँ, अ पुल बैक टूवर्ड्स 140 विल गिव अस अ वेरी गुड चांस टू टेक अ एंट्री, और अगस्त मंथ में हम एक नया ब्रेकआउट होते हुए देखेंगे जो 155-156 तक का लेवल लेड में दिखा सकता है। ओवरऑल बेस मेटल आई थिंक मार्केट हैज ओवरडन देयर रैली, जुलाई मंथ में कंसोलिडेशन एंड सम करेक्शन इज देयर, आफ्टर दैट प्राइसेस इज गोइंग टू बी ऑन ए हायर साइड। विद दिस वी कंप्लीट अवर नॉन एग्री सेगमेंट, जहां पे हमने देखा पूरे एग्री फैक्ट में निकल और नेचुरल गैस बोथ आर लुकिंग वेरी गुड, अदरवाइज हम बाकी कमोडिटीज में थोड़ा थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं। सोना चांदी में पुल बैक मिले पे हमें बाय करना है, बेस मेटल साइडवे और कंसोलिडेशन रहेगा आफ्टर ए ग्रेट रैली, बट आगे का जो पीरियड है वो भी अच्छा बड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्टिल सीम्स टू बी वेरी गुड, बट शॉर्ट टर्म में करेक्शन है। क्विकली इन नेक्स्ट 10 मिनट्स विल टेक अ एग्री, एग्री में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर मिस्टर अर्दू जी वी विल टेक इन Q&A आपके क्रूड का स्लाइड, वी कैन कंप्लीट बिकॉज देयर इज अनदर 10 slides आर पेंडिंग। कमिंग ऑन मेंथा ऑयल, वेरी लो वॉल्यूम कमोडिटी राइट नाउ, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी सीजनैलिटी, बिकॉज अराइवल जो होता है मई और जून में हमेशा होता है, अगस्त से अराइवल्स फिनिश हो जाते हैं और इस बार प्लेंटी ऑफ अराइवल्स आर देयर इन द मार्केट बिकॉज ऑफ दैट प्राइसेस हैज ऑलरेडी करेक्टेड एंड मेड ए लो ऑफ अराउंड 980 लेवल,
तो आई थिंक अगर हम जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक की बात करें, आई थिंक मेंथॉल इज गोइंग टू बी अ ट्रेमेंडस जंप, नो डाउट इस बार हमारा प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, बट ऑलरेडी प्राइसेस हैज डिस्काउंटेड, नाउ थिंग्स आर बीइंग अनलॉकिंग डाउन एंड डिमांड वुड रिकवर, एंड कोविड में भी जो हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और हैंड वॉश के लिए, वो सब में भी मेंथा थोड़ा यूज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आई एम वेरी मच बुलिश फॉर मेंथा लुकिंग टू दी सीजनलिटी। कमिंग ऑन कॉटन, कॉटन की सोइंग कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी बहुत है, तो आई थिंक जुलाई में अगर हमें थोड़ा भी बाउंस मिलता है, उस बाउंस में हमें एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर यहाँ पे बताता है कि हमेशा प्राइजेस में फॉल आता है। इस बार स्विंग कैसा रहेगा, डेट विल बी मच इम्पॉर्टेंट, और स्विंग एक्सपेक्टेड है कि अच्छा बोल रहे हैं, गुजरात में कुछ 15% का फॉल आया है, बट अगर स्विंग अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली प्राइजेस में भी फॉल रहेगा। तो एज ऑफ नाउ स्विंग पीरियड थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, बट मानसून डिपेंड करेगा, अगर मानसून में थोड़ा सा कमी रहेगा तो प्राइजेस में गेन आ जाएगा, अदरवाइज सीजनैलिटी शोज जून और जुलाई में तेजी रह सकता है। तो ऑलरेडी जून में हमने 16,800 तक का जंप देखा, फिर फॉल देखा हमने, तो ओवरऑल जुलाई में भी एक जंप रहेगा, बट अगर सितंबर अक्टूबर इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर कॉटन प्राइसेस इफ एवरीथिंग रिमेन सेम। कॉटन सीड ऑयल केक, कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर जून में हमने काफी अच्छी तेजी देखी, 2220 का हाई देखा, जुलाई में बहुत बड़ी तेजी का सिग्नल मिल रहा है, सॉरी। तो आई थिंक जुलाई में थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज लास्ट दो साल में तो हमने करीबन डबल डिजिट के रिटर्न्स देखे हैं, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है ऑलरेडी प्राइसेस हैज करेक्टेड वेरी वेल इन लास्ट 7 days, तो 1850 का एक अच्छा सपोर्ट है, और हायर साइड में 2200 का लेवल फिर से मिल जाएगा। जुलाई अगस्त के अंदर हम कॉटन सीड ऑयल केक में जंप देख पाएंगे, डाउन साइड कम रहेगा। वैसे अगर सोयाबीन की बात करें तो इस बार सोइंग अच्छी होने की उम्मीद है, थोड़ा सा हमने सीड्स को लेकर कंसर्न्स बनते हुए देखा था, जिसके चलते प्राइसेस में एक बार जंप आया था, बट अनलेस एंड अंटिल 3950 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबल है कि हम 3500 तक का भी लेवल तोड़ते हुए देखेंगे। सोइंग इज गोइंग वेरी वेल, और थोड़ा बढ़ सकता है सोइंग का एरिया इस बार, तो ओवरऑल हमें लगता है सोयाबीन इज गोइंग टू बी ट्रेडिंग विद द नेगेटिव फॉर जुलाई मंथ, जो भी बाउंस आता है 3850 के करीब हमें बेच के ही काम करना है। सोया ऑयल, सोया ऑयल में हमने अच्छा खासा गेन जून मंथ में देखा था, बीच बीच में हमने टैरिफ वॉर होते हुए देखा, जिसके चलते प्राइजेस वर वेरी मच वोलेटाइल, बट लास्ट 3 महीने की बात करें तो प्राइजेस आर नियर बाय 800 लेवल ओनली। जुलाई हिस्टोरिकली सेज के प्राइजेस शुड ड्रॉप, आई थिंक अगर 800 के नीचे सोया ऑयल ट्रेड करता है, वी कैन सी ए करेक्टिव ड्रॉप अप टू 770, तो बी कॉशियस ऑन रिफाइंड सोया ऑयल, वी कैन सी अ फॉल टुवर्ड 770 लुकिंग टू द सीजनैलिटी। कमिंग ऑन क्रूड पाम ऑयल, लास्ट 3 years वी हैव सीन अ फॉल, ऑलरेडी प्राइसेस हैज रैलीड वेरी वेल बिकॉज ऑफ बायोडीजल डिमांड, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमने बहुत बड़ी रैली देखी, बट जैसे ही क्रूड ऑयल में हमने फॉल आते हुए देखा, बायोडीजल डिमांड में भी हमने ड्रॉप आते हुए देखा, जिसके चलते हमने पिछले 2 महीने से प्राइजेस में धीरे धीरे साइडवे टू नेगेटिव हो रहे हैं, और अभी भी हमें लगता है कि प्राइजेस सस्टेनिंग बिलो 680 कैन ट्राई टू फेच सपोर्ट एट 620 लेवल, तो स्लाइटली बी कॉशियस, 620 इज एक्टिंग एज ए साउंड सपोर्ट। आई विल अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए और ये रिपोर्ट चाहिए, तो यू कैन जस्ट रजिस्टर ऑन द गिवन लिंक जो हमने चैट विंडो पे डाली है, तो हम टाइम टू टाइम, ये नो ऑब्लिगेशन रिपोर्ट है, दिस इज जस्ट फॉर ए नॉलेज शेयरिंग, आपको ये रिपोर्ट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, सो दैट योर ट्रेड विल इंप्रूव। तो आप प्लीज, अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं, विल डेफिनेटली शेयर यू सर, इट्स टोटली फ्री, इसका कोई चार्जेस नहीं है, जस्ट ये नॉलेज शेयरिंग के ऊपर है, रिपोर्ट इज टोटली फ्री। तो जून जुलाई अगस्त में हमने हमेशा सीपीओ में फॉल देखा है हिस्टोरिकली भी, तो बी कॉशियस। एडिबल ऑयल में हमने देखो, एडिबल ऑयल इज ए कॉम्प्लेक्स, तो पूरे कॉम्प्लेक्स में हमने प्रेशर बनते हुए देखा है, तो सोयाबीन में भी गिरावट दिख रही है, सोया ऑयल में भी और सीपीओ में, बट मस्टर्ड लुकिंग वेरी गुड। आप देखिए इस बार प्रोडक्शन भी थोड़ा सा हमने डिविएट होते हुए देखा, बट बिकॉज ऑफ कोविड मार्केट में जो अराइवल थे उसका पेस कम होने की वजह से मार्च अप्रैल मई जून में हमने बहुत अच्छी तेजी आते हुए देखी है। तो ऑलमोस्ट लास्ट अगर हम लोग 2 महीने की बात करें तो 10-11% का हमने ऑलरेडी जंप देखा है। कोई भी अगर चार्ट देखेगा तो यही बोलेगा कि ओवरबॉट में है,
सर ओवरबॉट में डेफिनेटली है बट फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, अनलेस एंड अंटिल 4500 4550 का लेवल ब्रीच नहीं करता है वी कैन सी लेवल टेस्टिंग 4900 का भी लेवल छू सकता है, तो प्लीज अवॉइड एनी काइंड ऑफ शॉर्ट इन मस्टर्ड। जुलाई स्ट्रांगेस्ट मंथ रहा है अभी तक का और अगस्त में भी मिला जुला रहा है बट तेजी रहेगी। अगस्त मिड से हमें सेलिंग पोजीशन बनानी है बिकॉज हायर प्राइजेस की वजह से स्विंग एरिया बढ़ने की पूरी उम्मीद है और सितंबर एंड से हम लोग स्विंग चालू हो जाती है, तो ध्यान रखिए स्विंग इस बार ज्यादा होगी और प्राइजेस में एक बड़ा फॉल हम ईयर एंड तक देख पाएंगे। तो जुलाई अगस्त इज गोइंग टू बी ऑन ए हायर साइड, ऑन दैट हाई वी शुड सेल। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव बिकॉज पिछले कुछ सालों में हमने एरियाज में थोड़ी सी कमी देखी है या अभी तक मॉनसून काफी अच्छा है और ओवरऑल इतना अच्छा गेन आया था कि हमने 10,000 का भी लेवल क्रॉस करते हुए देखा था, बट अब एरिया में करीबन 10-12% का फॉल उम्मीद कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने काफी डैमेजेस मॉनसून की वजह से देखा था, सांगली के अंदर फ्लड सिचुएशन बन गया था, बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज वेरी गुड डैमेजेस एंड ओवरऑल ठीक है। अब कोविड की वजह से एक्सपोर्ट बंद थे बट अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना चालू हो चुका है। Prices has taken a support at 5,000 to 5,200 and last month only we have seen a gain of more than 8%. If we see a year-end target, I am expecting a bounce up to 7,500 also. 7,000 तक का तो level bare minimum हमें हल्दी में मिलना चाहिए। तो overall bullish on turmeric. हाँ, sowing का data थोड़ा सा ध्यान रखिए। I am expecting a 10 to 12% fall in this time. अगर उसमें कुछ deviation होता है तो definitely because स्विंग के डेटा के बाद ही अगस्त और सितंबर में जनरली हम फॉल देखते हैं, बट इस बार अगर ड्रॉप होगा और एमएसपी की भी डिमांड थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही है तो आई एम नॉट सो मच बेरिश ऑन केस ऑफ टर्मरिक। 5,000 एज ए बेस एंड 7,000 एज ए हायर साइड इन नेक्स्ट 3 मंथ। क्विकली मूविंग टूवर्ड जीरा, क्रॉप साइज हमारा काफी अच्छा था, प्राइजेस हैज मल्टीपल ऑफ टाइम फेल्ड टू क्रॉस 14,000 लेवल मार्क। अनलेस एंड अंटिल 14,000 का लेवल नहीं तोड़ता है पॉसिबिलिटी है प्राइजेस रेंज बाउंड में रहेंगे, बट ओवरऑल हमें लगता है इंटरनेशनल डिमांड इज गोइंग टू बी ब्लास्ट दिस ईयर। रूपी में जो हमने इनिशियल फॉल देखा था उसके चलते एक्सपोर्ट डिमांड्स आर क्वाइट गुड। ओवरऑल वी आर एक्सपेक्टिंग अ जंप अबव 14,000। 14,000 के ऊपर अगर प्राइजेस गेन कर जाता है तो वी कैन सी 15,000 ऑल्सो, बट इस बार क्रॉप साइज हमारे पास काफी अच्छा है, बट आई थिंक स्कैटर डिमांड धीरे धीरे जिस से इकोनॉमी अनलॉकडाउन हो रही है जीरा का डिमांड बढ़ता हुआ रहेगा जो प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। धनिया वन ऑफ द फेवरेट कमोडिटी 66,000 का लेवल तोड़ चुका है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस अप टू 7,200 दैट टू इन द मंथ ऑफ जुलाई इटसेल्फ। ऑलरेडी प्राइजेस हैज गेन्ड अप टू 6,300 दिस मंथ मींस जून मंथ, कोई भी ड्रॉप मिले लेके चलिए। आई विल रिक्वेस्ट समवन इज यूजिंग माय व्हाइट बोर्ड, प्लीज अलाउ मी टू यूज, थैंक यू सॉरी। सो जुलाई मंथ इज गोइंग टू बी ब्लास्ट फॉर धनिया प्राइजेस, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 7,000 रुपीज जंप लुकिंग टू दी सीजनैलिटी एंड अदर फंडामेंटल। तो जस्ट आई ऑन टर्मरिक एंड धनिया, दिस टू कमोडिटी इन स्पाइसेस आर गोइंग टू बी ब्लास्ट दिस टाइम। दिस इज गवार, सिंस लास्ट क्वाइट लॉन्ग टाइम वी हैव सीन गवार प्राइजेस आर ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज। गवार के प्राइजेस में हमने काफी कंसोलिडेशन देखा है, बट हिस्टोरिकल डेटा देखिए, अपर वाला चार्ट हमारा गवार सीड का है, लोअर चार्ट गवार गम का है। हिस्टोरिकल देखे तो हमने देखो हमेशा जून में तेजी देखी है, जुलाई में भी तेजी देखी है, अगस्त में भी तेजी देखी है, बट सितंबर में जब हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट होता है तो गिरावट देखी है। तो ओवरऑल हमने लो बना चुके हैं जो हमने कोविड-19 की वजह से 5,100 का लेवल देख चुके हैं मार्च मंथ में। नाउ प्राइजेस थोड़ा सा एक डिविएशन है, गवार सीड में तेजी है बट 4,000 का लेवल इमीडिएटली तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है चार्टिकली, तो 4,000 तक का लेवल जाएगा बट उसके बाद वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू ब्रीच। बट गवार गम जो रेशियो हम देखते हैं तो रेशियो काफी साउंड दिखा रहा है, तो गवार गम 5,600 के ऊपर होल्ड करने पे
6600 से 6800 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो आई एम मोर बुलिश ऑन केस ऑफ गवार गम रादर देन गोइंग विद द गवार सीड। गवार गम इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में ज्यादा यूज होता है, तो नाउ इकोनॉमी इज नाउ ओपनिंग, तो आई थिंक गवार गम का यूसेज बढ़ेगा। तो आई ऑन गवार गम, रेशियो वाइज भी समवन कैन ट्रेड लाइक बाइंग गवार गम एंड सेलिंग गवार सीड, तो दैट कुड बी ऑल्सो फेचिंग अ गुड रिटर्न। जुलाई मंथ ध्यान रखिए 4% गेन हिस्टोरिकल हुआ है, तो आई एम वेरी मच बुलिश इन केस ऑफ गवार कॉम्प्लेक्स। एंड लास्ट वन इज चना। चने में एफडी कर लीजिए अगेन, जो हमने तीन कमोडिटी में बात की, विच आर द थ्री कमोडिटी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस एग्री के अंदर, क्योंकि एग्री के अंदर एग्री डेस्क भी आ चुका है और एग्री डेस्क इज अ वेरी गुड बैरोमीटर टू फाइंड हाउ एग्री कमोडिटी इज डूइंग। तो आई थिंक धनिया, हल्दी, गवार एंड चना, All this commodity looks very good in next couple of months. तो चने में हमने multiple of time देखा कि government intervention की वजह से prices fall होते रहते हैं, but इस बार MSP काफी ऊपर है, COVID के चलते demand बढ़ा है, government ने भी जो food security allow किया है उसके चलते demand और बढ़ेगी। Sowing में time है October में, तो before October I am expecting a bounce that prices can match MSP. 4800 तक का भी level prices दिखा सकती है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया है, बट अभी भी थोड़ा सा नेफेड के पास माल काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा कॉशियस रहकर ट्रेड कीजिए, बट आई एम वेरी मच बुलिश फॉर चना आल्सो, जो आपको 4800 तक का लेवल दिखा देगा। तो आज के सेशन का जो की टेक अवे है कि सीजनलिटी रेफर्स टू द प्रेडिक्टेबल चेंज, हम लोग एक प्रेडिक्टेबल चेंज देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, दैट ऑकर्स ओवर वन ईयर पीरियड इन एनी बिजनेस। बिजनेस में भी ऐसा होता है, ट्रेडिंग में होता है, इकोनॉमी में होता है, तो सीजन काफी इंपॉर्टेंट है। सीजनलिटी कैन बी यूज टू हेल्प एनालाइज कमोडिटी, करेंसी, स्टॉक्स, इकोनॉमी ट्रेंड। तो सीजनलिटी हमें खाली एनालाइज करने के लिए हेल्प करती है कि मार्केट का ओवरव्यू क्या है, कंपनीज भी इसको यूज करती है, रिटेल सेल्स कैसा रहेगा इसके लिए यूज करती है। तो ओवरऑल सीजनलिटी इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, एक फंडामेंटल बैरामीटर है जहां पे आपको आगे का आउटलुक मिल जाता है। तो आई होप आज के सेशन में मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया है आपको, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मेरे को एक फीडबैक दे सकते हैं कि आज का जो सीजनलिटी है, सो डेट अगर आपका फीडबैक रहेगा तो डेफिनेटली विल ट्राई टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। तो या तो आप चैट विंडो में डाल सकते हैं या हमने जो गूगल फॉर्म की लिंक दी है उस पर भी आप फीडबैक दे सकते हैं। With this, I complete my session, जिसमें हमने सीजनैलिटी देखा करेंसी में, नॉन एग्री कमोडिटी में, एग्री कमोडिटी में। Now,